दोस्तों आज की वीडियो में आप बताऊंगी साड़ी में पीको कैसे करना है। वीडियो में आपको बताऊंगी मशीन से पीको कैसे करें। तो देखिए जैसे अभी हम पीको करना है तो ये पल्लू है या फिर हमारा अंदर की साइड है तो देखिए ऐसे थ्रेड निकलते हैं। तो पहले हम इस साड़ी को एक जैसा कट कर लेते हैं। तो काफ़ी साड़ी होती है जिसमें क्रॉस रहता है, एक साइड में आगे रहता है एक साइड में पीछे रहता है, तो आप उसको एक जैसा कट कर लें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो इससे धागे वागे निकले हुए हैं इसको हम एक जैसा कट कर लेते हैं। एक लाइन स्ट्रेट लाइन कट कर लें। तो देखिए ये मैंने कट कर दिया है। अभी हमारा पल्लू और अंदर की साइड दोनों तरफ इस तरह से स्ट्रेट हो गए। अभी मैं बताऊंगा आपको पीको कैसे करना है। तो देखिए जो ये प्रेशर फुटर है इससे हम सिलाई कर सकते हैं और इससे हम फॉल लगा सकते हैं। और उसके जो अभी हम पीको करना है तो पीको के लिए देखिए ये प्रेशर फुटर है, अभी इसको हम चेंज करना है। इससे ओनली पीको कर सकते हैं और कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। इससे आप दो काम कर सकते हैं, सिलाई एंड फॉल। तो अभी हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमने अभी सेट कर दिया। अभी हम बताते हैं आपको उसके बाद इस सिलाई मशीन में इस तरह का लेवर होता है, ये फॉल पीको एम्ब्रॉयडरी ये सभी काम हो सकते हैं इस मशीन में। तो अभी हम इसको लेवर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्रू दिया हुआ है और इसको हम इस तरह से नंबर सेट कर सकते हैं। तो इसका लास्ट नंबर रहता है, तीन नंबर पर करें। अभी जैसे मुझे फॉल या पीको कुछ भी करना है तो 2.5 पे मतलब ढाई नंबर पर इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो बराबर से नहीं आएगा, आपकी सुई टूट जाएगी। सेट कर दिया, जो स्क्रू है इसको मैंने टाइट कर दिया। अभी आती है बारी नंबर की। तो हम जब फॉल पीको कुछ भी करते हैं तो उस नंबर को हम एकदम नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो देखिए इसको मैंने दो नंबर पे इसको सेट कर दिया है। नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं तो हम 4 या 5 नंबर रखते हैं। करने के बाद साड़ी को उल्टा रखें। अब उल्टा रखने के बाद आप यहाँ पर स्टार्टिंग में इस तरह से एक रोल बना लें और यहाँ पर पहले स्टिच करके इसको लॉक कर देंगे। ये थोड़ा सा आगे पीछे जा सकता है लेकिन इसको आप सेकंड सिलाई में इसको सेट कर सकते हैं। सेट करने में थोड़ा सा आगे पीछे आएगा। जो प्रेशर फुटर में आप देख रहे हैं ये रोल वाला है, इसमें क्या है हम इस तरह से साड़ी को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें रोल बनती जाएगी और फिर उस पर सिलाई होती जाएगी और एक हाथ से आप इसको खींचते जाएँ। देखिए स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से आ रहा है लेकिन हम क्या करेंगे इसको बाद में यहाँ पर इस तरह से कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। और आप आगे देखेंगे तो कितना सुंदर पीको आ रहा है, एकदम पतला आ रहा है और एकदम बराबर से हमारा सिलाई आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें पीको कर लें। तो मैं इसी तरह से दोनों साइड में पीको कर दूँगी। देखेंगे तो एकदम आपकी पीको बराबर से आएगी। यहीं पे आप इसको 2-3 टाइम्स लॉक कर दें जिससे कि हमारी सिलाई खुले नहीं। तो देखिए मैंने दोनों साइडों में पीको कर लिए तो कितनी सुंदर पीको आई है हमारी मशीन से। तो इस आसान तरीके से ये पीको मशीन से पीको कर सकते हैं।